आपण मानको स्वागत करछि हमरो यूट्यूब चैनल रे। देखो फ्रेंड्स, नुआ रिक्रूटमेंट सुजोगटिए आसीछि आपण मानन पई। पुलिस सेवार एक नियुक्ति सुजोग सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ रहिछि। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जोटा कि आईटीबीपी रहुछि, सेथिरे आपण मानकर 200 रु अधिक पोस्टर वैकेंसी देखिबाक मिलुछि। तबे एही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो शॉर्ट नोटिफिकेशन टी वर्तमान आसी जाइछि। फुल नोटिफिकेशन टी आसीले आपण माने एको अप्लाई करि परिबे, किंतु ता पूर्व मु आपण मानको ए जॉब रो संपूर्ण अपडेट टी प्रोवाइड करिबी, जहा कि आपण मानकर शॉर्ट नोटिफिकेशन रहिछि। कोन सब एलिजिबिलिटी कंडीशन रहुछि, केते पोस्ट आसुछि एवं एथिरे आपण मानकर शिक्षागत योग्यता कोन रहुछि, कि परि अप्लाई करिबे, संपूर्ण सूचना जानिबे पे वीडियो टी को प्रथमे शेष जाय देखिबे। वीडियो टी भल लागले निश्चित वीडियो टी को लाइक टी करिबे, सांगसाथी सहित शेयर करे को जमार भूलिबे नाही, एवं चैनल को प्रथम तरह विजिट करले चैनल को सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करिबे, नेक्स्ट अपडेट को आपण माने आपण मानको मोबाइल थ्रू रे पाई परिबे। एवं वीडियो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानको हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक मिल जिवो। टेलीग्राम रे जॉइन करबा द्वारा आपण मानको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिली परिबो, जहां आपण मान पय बहुत बेनिफिट साबस्त होबो। तबे निश्चित रूप आपण माने टेलीग्राम रे जॉइन करनतो। एवं चालन जानि रखबा आज रो विशेष जॉब अपडेट टी। तेबे आसीथिबा रिक्रूटमेंट सूचना अनुसार इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बा आईटीबीपी तरफ हेड कांस्टेबल कमांडेंट मिनिस्टेरियल डायरेक्ट एंट्री एलडीसी तरफ रहुची आपण मानकर पोस्ट वैकेंसी। 248 पोस्ट में आपण माने अप्लाई करि परिबे। एठी सैलरी 25,500 रु 81,100 टका रहुची। रेगुलर बेसिक रे सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ आपण मानको एथिरे नियुक्ति दिया जाउची। तेबे एठी आपण मानकर शिक्षागत योग्यता, जहाँकि आपण मान जदि 10th सहित प्लस टू कम्प्लीट करेंगे निश्चित रूप अप्लाई करेंगे। एथेरे टाइपिंग नॉलेज आवश्यक रहुची। 35 वर्ड पर मिनिट आप इंग्लीश टाइपिंग करें, 30 वर्ड पर मिनिट हिंदी रे टाइपिंग करेंगे, ताहले आप एलिजिबल हो पारे। एज लिमिट एथेरे 1/1/2022 सुधा। जदि आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट एंट्री पे अप्लाई करुछन्ति 18-25 वर्ष आवश्यक करुची। जदि हेड कांस्टेबल एलडीसी पे अप्लाई करुछन्ति 35 वर्ष पर्यंत आवश्यक करुची। नॉर्मल आपण मानकर एज रिलैक्सेशन रही ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे निश्चित रूपे। एथिरे आपण मानकर एससी एसटी कैटेगरी पिलामानपई वयस सीमा कोहल करा जायछि। तबे जेऊ प्रार्थी माने फॉर्म को अप्लाई करिवे सेमानको कहि रखबि ऑनलाइन प्रोसेस रे फॉर्म रा आवेदन प्रोसेस रहिबो। यू आर ओबीसी कैटेगरी पिलामानपई 100 टका एप्लीकेशन फीस आवश्यकता रहिबो। एससी एसटी कैटेगरी पिलामानों पई कोनोसी एप्लीकेशन फीस रहिबो नै, मागडन आपण माने एहाको आवेदन करि परिबे। तबे पेमेंट मोड ऑनलाइन माध्यम रे रहिबो, इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माध्यम रे। जेउ पिला माने एहारो एग्जाम फीस को पैठ करिवे सेमानको अनुरोध रहिला सेमान निश्चित रूपे ऑनलाइन पेमेंट करि नेबे। तबे सिलेक्शन प्रोसीजर एथिरे प्रथम पीईटी रहिबो, पीएसटी रहिबो, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट एवं मेडिकल एग्जाम परे आपण मानको एथिरे नियुक्ति दिया जिवो, जो माने एथिरे क्वालिफाइंग करिवे। सबुठ इम्पोर्टाट कथा जे फ्रेंड्स, वर्तमान यार सर्ट नोटिकेसन टी आक क्लिक करके डाउनलोड करें। फर्म टी आपर 8/6/2022 में अवेलेबल होने अफिसीयली सैट आई टी पी पी आप्लाय करेंगे। आप्लिकेसन टी कौज 7/7/2022 तेज निश्चित रूप आप 8/6/2022 आरंभ करके 7/7/2022 मध्य आई टी पी पी तरफ आसूबा हेड कनेस्टेबल पोस्ट को आप्लाय करें। एथस जदि एपर्तंत आम टेलीग्राम को जॉइन करना, टेलीग्राम निश्चित रूप जॉइन करेंगे। आम ऑफिशियली साइट www.naukri.in जहाँ मध्यम गुरुत्वपूर्ण जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड कर। सो फ्रेंड्स, आशा करुच्ची ये अपडेट टी आपमन को निश्चित रूपे भल लगी थी। भल लगी वीडियो टी प्रथम लाइक करूँ, सांग सहित सेयार करने को जमार भूल ना, और चैनल को सब्सक्राइब करनी, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करूँ, नेक्स्ट अपडेट को आपण मैंने देखिपारे आमरी चैनल जरिए। तेज निश्चित रूपे बर्तमान समय तो शेष हो सारी ये अपडेट टी, आगामी अपडेट को अपेक्षा करूँ। आगामी अपडेट रे किसी नुआ तथ्य आपयर कर विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।